दोस्तों इजराइल में अब इजराइल की मदद के लिए कनाडा की फोर्स पहुंच गई है। लीजिए हो गया बेड़ा गरक। सारी दुनिया की तमाम ताकतें मुट्ठी भर गाजा के लोगों को खत्म करने के लिए एक हो गई हैं और अरब झुंझुना हिलाते रह गए हैं। ये जहरीले गद्दार अरब और ये मुस्लिम देश सिर्फ धमकी देते रह गए और वो मदद के नाम पर सेना के साथ मैदान जंग में उतर गए। हालांकि कनाडा की जो इंटेलिजेंस है और जो सरकार है वो ये कह रही है कि जो हमारी स्पेशल फोर्स गई है वो इजराइल की सिर्फ जो है मेडिकल केयर में या उनको थोड़ा प्लानिंग करने में हेल्प करेगी, ये कनाडा ने कहा है। यही सेम बात अमेरिका ने जब कही थी, जब 200 सैनिक अमेरिका ने पहली बार भेजे थे, अमेरिका ने कहा था हमारे सैनिक लड़ने के लिए नहीं जा रहे, अपनी अम्मा के ब्याह में जा रहे हैं, तो अपनी अम्मा का ऐसा लहंगा उठा के आगे पीछे चलेंगे क्योंकि उनसे उठेगा नहीं। कहने वाली बात यह है कि अमेरिका ने भी यही कहा था कि लड़ेंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी बड़ी एक टुकड़ी अमेरिका की भेज दी। 5000 इस वक्त 5000 से ज़्यादा अमेरिका के सैनिक गाजा के अंदर घुसने के लिए तैयार हैं और अब कनाडा भी पहुंच गया है। तो सारी दुनिया इस वक्त मैदान जंग में उतर रही है पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक सुपर पावर देश के साथ, अमेरिका और इजराइल के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मुट्ठी भर गाजा हैं इनसे इनकी कितनी वो निकल रही है, पिछवाड़े से जो गु निकल रहा है, ये ताकत ही तो है गाजा की, ये सबर ही तो है गाजा वालों का कि तुम मारे जा रहे हो और अपनी ताकत बढ़ा बढ़ा कर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हो और फिर भी तुम्हें कामयाबी नहीं मिल रही। और लानत तो मुसलमान देशों पर हैं, सिर्फ धमकी के अलावा कर ही क्या रहे हैं। हकीकत बात यह है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है। व्हाइट हाउस ने कह दिया है कि हम एक और खतरनाक जंग की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग देशों, यूरोप की अब सेना का इसराइल की सरजमीन पर उतरना इस बात की दलील है कि यह जंग ऑलरेडी फैल चुकी है। अमेरिका का एक यहूदी नेता रिपब्लिकन पार्टी का, उसने कहा है कि जो कतर में हमास के लीडर है ना, उन पर निशाना होना चाहिए। उधर ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने फोन पर खतरनाक बात की। उनकी बातचीत के बाद इसराइल ने पैंट में मुंह दिया है। अमेरिका टेंशन में आ गया है। अमेरिका ने इसराइल को समझाने की कोशिश करी है कि भैया अब क्या होगा, ये तो खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट 30 सेकंड में उड़ाने का काम करूंगा। सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्री ने फोन पर बात करी है, भाई साहब ये जो इसराइल है ये ज़्यादा ही हमला कर रहा है। सऊदी अरब, हाँ कह तो आप सही रहे हैं, कॉरिडोर बंद किया हुआ है, मदद नहीं पहुंच पा रही है, वल्ला हबीबी क्या किया जाए। ईरान, अरे जंग रुकवानी चाहिए, हमला रुकवाना चाहिए और गाजा के लोगों को मदद पहुंचानी चाहिए। हबीबी यही तो हम बोलती, यही बोलती, चलिए मिलके जॉइंट स्टेटमेंट जारी करती। कितना बड़ा बयान है भाई साहब, खड़े होके तालियां दोनों के लिए। कमाल की बात यह है कि गाजा को पूरी तरह से मिटाने के लिए इजराइल की फौज कम पड़ रही है। रिपोर्ट यह है कि जो अमेरिका में रिटायर्ड फौजी इजराइल के रह रहे थे, जो रिटायर हो चुके थे, जो रिजर्व में भी थे, वो सब के सब वापस आ गए हैं गाजा वालों को खत्म करने के लिए। दोस्तों फज्र के वक्त सुबह भारतीय वक्त के मुताबिक 5 और 6 के बीच में अमेरिका का MQ-9 रीपर 2 ड्रोन गाजा की हवा में था। यानी मेरी बात सही साबित हुई कि अमेरिका इस मैदान जंग में खुद खूनी हाथ लेकर गाजा के बच्चों पर बमबारी कर रहा है, वरना इसराइल की कोई औकात नहीं है। अबे इसराइल कितना भी तरक्की कर जाए, गाजा वाले अपने पत्थरों से रगड़ कर रख देते हैं। तो आप समझ में आया, ये अंतरराष्ट्रीय डिटेल दे रहा हूं आपको, सबूत के साथ बता रहा हूं, नाम याद रखिएगा रजाग्राफी। फेक न्यूज से बच के रहिएगा, बहुत सारे मुसलमान हैं
ब्लू टिक वाले जमकर झूठ फैला रहे हैं और आपको खुश कर रहे हैं टेम्परेरी, और बाद में पता चल रहा है कि नहीं ये सब झूठ है। इसलिए चैनल को करिए सब्सक्राइब ताकि आप 24 घंटे लाइव अपडेट जेन्युइन मिलता रहे। जब तक हमारे पास कोई खबर कंफर्म नहीं होती ना, सामने मुंह लेके आता नहीं मैं अपना। तो कुछ समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अमेरिका खुद इस जंग में कूदा हुआ है, 4 दिन पहले बोला था, सबूत दे रहा हूं। गाजा की तरफ से बताया गया है कि अब तक 34 जर्नलिस्ट मारे गए हैं, 34, जिसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। और आपको बता दूं, इसराइल ने अभी कुछ दिन पहले क्या कहा, 2 दिन पहले इसराइल ने कहा कि हम पत्रकारों की गारंटी नहीं ले सकते, यानी हम पत्रकारों को भी मारेंगे। उधर मेरे दोस्तों, इसराइल की गवर्नमेंट ने रशिया के अम्बेसडर को समन किया कि आपने हमास को अपने देश में आने क्यों दिया। 47 मस्जिदों को गाजा के अंदर इसराइल ने शहीद कर दिया। लानत हो मुसलमान हुक्मरानों, लानत हो। इसके अलावा 80 से ज्यादा सरकारी बिल्डिंगों को इसराइल ने गाजा के अंदर उड़ाया है। किस बात का इंतजार है भाई साहब? ये जिनके पास सत्ता है इनको क्या चाहिए? इनके पास अरबों के पास पैसा है, ससुरे अरबी लड़की से शादी नहीं करेंगे, यहूदी लड़की से शादी करेंगे, अंग्रेजों से शादी करेंगे, क्योंकि उनके लिए बिस्तर इंपॉर्टेंट है। इनको अल्लाह ने बेहतरीन जगह पैदा कर दिया और बेहतरीन मुसलमान का लकब दे दिया, लेकिन ये दोगले मुसलमान हैं। सुन लीजिए, 3 चर्च भी इसराइल ने गाजा के अंदर उड़ाए हैं, जिसमें एक चर्च 900 साल पुराना था। लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। शेयर कीजिए इस रिपोर्ट को। जय हिंद।